तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बिल्कुल नए वीडियो में। और ये हमारी एक नई ट्रेन जर्नी होने वाली है और अभी हम पटना जंक्शन पे हैं। देख सकते हैं पीछे कुछ ये महावीर मंदिर पीछे, और ये पीछे हमारा पटना जंक्शन है। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं और हमारा से यहाँ से ट्रेन है, ट्रेन नंबर 15714 पटना का टैंड सिटी। तो ये एक इंटरसिटी ट्रेन है जो दो शहरों के बीच चलती है, आपको जानकारी मैं बता दूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर और देखता हूँ हमारा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है, और तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पटना जंक्शन एक बार नाइट में दिखा चुका हूँ, पर आज डे है तो आज अलग फसल लुक है। तो चलिए चलते रहिए, अब दिखते रहिए, मैं सब मजा आएगा। तो ये देखिए कुछ डे का व्यू ऐसा है। और चलिए हम लोग पता करते हैं कि हमारे ट्रेन कितना प्लेटफॉर्म पर आकर लगा हुआ है। तो गेट संख्या 2 है और ये मेन एंट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ट्रेन कहाँ पर हमारा। दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पटना कटिहार इंडस्ट्री, जो फ्लैक्चुएट हो रहा होगा, साफ साफ नहीं दिखता है क्योंकि ऐसा है ना वो डिस्प्ले। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारी ट्रेन है और ये कुछ ऐसा है अंदर करने जा रहा। ये देखिए, और ये पांडा टर्मिनल पटना का रेक लगा हुआ है यहाँ पे, और हमारी ट्रेन 2:15 की है। तो कुछ ऐसा जा रहा, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 पा चुके हैं और हमारी ट्रेन इस साइड लगी हुई पटना कटिहार इंटरसिटी, और ये है हटिया पटना। तो हमारी पहुंच रही है C1 और ये हमारी जर्नी बाद चेयर कार में होने वाली हो। तो ये पहली जर्नी होने वाली इस रूट पे है। आपको बता दूं पटना 3 रूट है, पटना न्यू दिल्ली, पटना गया और पटना हावड़ा। तो पटना हावड़ा पे हमारी ये जर्नी होने वाली है और ये पहला वीडियो यूट्यूब के लिए मैं बना रहा हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए कोच अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरह नया रहा है दोस्तों। तो ये हमारे LHB कोच है और AC में हमारा 45 नंबर, और ये ट्रेन कुछ ऐसी लगी हुई है। और अभी समय बाकी है काफ़ी, अभी 25 मिनट लगेंगे ट्रेन को खुलने में क्योंकि 2:15 में समय है, और ये कुछ भीड़ है। चलिए चलते हैं अंदर। तो चलते हैं अंदर गाड़ी में। दोस्तों हम लोग कुछ में बैठ चुके हैं, ज़्यादा भीड़ है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है, हमारे विंडो साइड पहुँचे हैं तो हमारी ट्रेन अब खुलेगी। तो आप जब खुलेगा तो आपको अंदर से नहीं जाते कहेंगे, क्योंकि बार बार बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है और ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं होने। तो देखिए मैं तो दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, और ये ट्रेन काफ़ी भरी हुई होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, पर डे चलने वाली गाड़ी है इसलिए ट्रेवल बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और ये देखिए अब हमारा पटना जंक्शन निकल रहे हैं आगे की ओर, और अभी हमारा एक मेजर स्किप होने वाला है, ये राजनगर टर्मिनल को हम लोग स्किप करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी ट्रेन काफ़ी स्पीड में किसी बड़े टर्मिनल स्टेशन को क्रॉस करती है। तो चलिए अब उस नज़ारे को एंजॉय करते हैं, तब तक आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। गाड़ी हमारी अभी स्लो स्लो ही चलेगी क्योंकि पटना जंक्शन से लेके राजनगर टर्मिनल तक काफ़ी रूट जो है वो इतनी रहता है, ज़्यादा व्यस्त रहता है, वहाँ पे बहुत सारी लाइनें गाड़ी इधर से उधर होती रहती है, तो ज़्यादा रफ्तार में गाड़ियाँ नहीं क्रॉस करती हैं, स्लो ही अभी चलेगा हमारी ट्रेन। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और डिजिटली हमारे साथ सफ़र कीजिए। तो चलिए देखते रहिए वीडियो, काफ़ी मज़ा आएगा। और देखिए ट्रेन हमारी अब धीरे धीरे थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रही है, पर ज़्यादा नहीं, 30 से 40 की स्पीड में चलती है ट्रेन। और ये देखिए हमारा आइकॉनिक चिनाई टावर पुल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसे चिनाई टावर पुल कहते हैं, पटना जंक्शन का है। तो चलिए दोस्तों आप मेजर स्किप देखिए राजनगर टर्मिनस का, और ये हमारी जर्नी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। यहाँ से लगभग पटना से 470 किलोमीटर की दूरी पर बाहर रेलवे स्टेशन है बख्तियारपुर जंक्शन के जस्ट आगे, तो वहीं तक हमारा सफर होने वाला है। और इस जर्नी में हमारी 2 स्टॉप मात्र है, एक है पटना साहिब और एक बख्तियारपुर जंक्शन, उसके बाद सीधे बाहर। तो चलिए दोस्तों आप सफ़र को एंजॉय कीजिए।
दोस्तों ये हमारी ट्रेन रहा है नगर टर्मिनस को स्किप करते हुए, तो देखिए कैसा नज़ारा है। काफ़ी स्पीड में हमारी ट्रेन स्किप कर रही है राजनगर टर्मिनस को। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए और चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले स्टॉपेज पे जो हमारा पटना साहिब होने वाला है। तब तक आप दृश्य को इंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले स्टॉप पे। तो दोस्तों हमारा अराइवल हो चुका है पटना साहिब स्टेशन पे, और ये श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। ये भारत का प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी यहाँ पे स्थित है, और काफ़ी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उधर सिख वगैरह सिख जो होते हैं काफ़ी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। इसलिए स्टेशन को काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, नए बिल्डिंग बन रहा है स्टेशन का। और ये पटना साहिब रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक लेवल है वो पटना ही है दोस्तों। जब आप पटना चलिएगा आपको दोनों तरफ खेत नहीं सिर्फ शहर ही दिखेगा, जो पटना साहिब तक आता है काफ़ी लंबा दूरी तक यहाँ पे है, पूरा शहर बसा हुआ है। ओल्ड पटना यही है, पटना सिटी से भी कहा जाता है। अगर आप इसका मार्केट घूमिएगा तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, हर तरह का यहाँ पे सामान आपको अवेलेबल। इसका वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जब अपने दुर्गा पूजा के लिए यहाँ पे सामान वाले लेने थे, तो वीडियो बनाए थे, तो उस वीडियो अवेलेबल है, आपको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है नज़ारा पटना साहिब रेलवे स्टेशन का। तो चलिए अब डिपार्चर होगा, तो अब डिपार्चर पर आपसे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ यहाँ पे चढ़ेगी इस ट्रेन में, और ये ट्रेन पूरा पैक इधर से ही हो जाएगा। देख सकते हो ऊपर में गुंबद आपको दिख रहा होगा, जो अभी नया रेलवे स्टेशन बना है उसके लेके काफ़ी शानदार लुक दिया जाता है, जो गुरुद्वारा है ना उसी का लुक दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा डिपार्चर यहाँ से हो चुका है, तो कुछ इस तरह से डिपार्चर हो रहा है हमारे ट्रेन का, और अभी ऑन टाइम हमारी ट्रेन चल रही है। तो अब यहाँ से आपको नज़ारे काफ़ी अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, तो आप दृश्य को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पर बख्तियारपुर जंक्शन। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, आप ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम लोग बख्तियारपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये देखिए बख्तियारपुर जंक्शन, और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन राजगीर की ओर जाती है, राजगीर पावापुर नालंदा की ओर। तो उधर हमारी ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस जो चलती है दिल्ली से राजगीर की ओर, इसी रूट पर चलती है, और हम लोग सीधा यहाँ से जाने वाले हावड़ा वाले रूट पर, तो सीधा हावड़ा जाती है तो आसनसोल होते हुए। तो ये है बख्तियारपुर जंक्शन, कुछ ऐसा है काफ़ी, मतलब स्टेशन बड़ा है, ठीक ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर सही स्टेशन है। और इधर खाने पीने की चीज़ें आपको ज़्यादा कुछ मिलेगी नहीं, तो अपना साथ कैरी करें। और अंदर देखिए ट्रेन में कितना अभी भीड़ है, पूरा सीट फुल है यहाँ पे, और ट्रेन अभी हमारी बख्तियारपुर जंक्शन पर खड़ी है। तो दोस्तों हमारा ट्रेन अब डिपार्चर हो चुका है, देख सकते हैं बख्तियारपुर जंक्शन से। तो आप व्यू को इंजॉय करते रहिए, और चलिए अब हम अपने डेस्टिनेशन पर मिलते हैं, जो सीधा यहाँ से बाहर बाहर स्टेशन रुकेगी। बहुत सब लोग बाढ़ बख्तियारपुर साथ में बोलते हैं, कहीं भी जाना होता है कि बाढ़ बख्तियारपुर जा रहे हैं, तो बाढ़ इसके आगे वाला स्टेशन है, दो स्टेशन गैप करके हैं, और दोनों पर हमारी ट्रेन स्किप करते हुए सीधा बाहर अब रुकेगी। तो चलिए दोस्तों अब अपने स्टेशन के एंड पर, अपने जर्नी के एंड पर मिलते हैं।
बार से पहुँच चुके हैं और हमारी जर्नी यहीं पे एंड होती है। और ये काफ़ी छोटी जर्नी थी पर काफ़ी अच्छी थी और कम्फर्टेबल जर्नी थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ तक, तो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में।